दोस्तों मेरा नाम है राम वर्मा और स्वागत है आपका सीजी एजुकेशन न्यूज यूट्यूब चैनल पर। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन दबाना ना भूलिए, क्योंकि यहां पर आपको इसी तरह की लेटेस्ट नोटिफिकेशन जो कि शिक्षा से जुड़ी हुई है, छत्तीसगढ़ से जुड़ी हुई है, वो लगातार आपको इसी चैनल पर मिलती है। इस वीडियो में आपको यहाँ पर पंडित रविशंकर शुक्ला यूनिवर्सिटी से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन जारी हुए, दो नोटिफिकेशन बताऊंगा। एक रिजल्ट जो कि जारी नहीं हुए थे वो जारी हुए हैं, और एंट्रेंस एग्ज़ाम को लेकर यहाँ पर नोटिफिकेशन आ गया है। जो इनके शिक्षण विभाग है वहाँ पर एडमिशन के लिए एंट्रेंस एग्ज़ाम जो होगा उसका नोटिफिकेशन आया है। पिछले दिनों ही आया था लेकिन उसमें अब संशोधन कर दिया गया है। तो क्या संशोधन किया गया ये भी आपको इस वीडियो में जानने के लिए मिलेगा, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। तो सबसे पहले यहाँ पर रिजल्ट की बात करते हैं। तो रिजल्ट में सर्टिफिकेट क्वेश्चन ट्रांसलेशन एनुअल एग्ज़ाम मार्च अप्रैल का रिजल्ट है, जिसमें 22 में से 18 स्टूडेंट पास हुए, 4 फेल हुए, 1 अब्सेंट था। 81.82% इसका रिजल्ट है। एमए पॉलिटिकल साइंस के एनुअल एग्ज़ाम मार्च अप्रैल 2023 का रिजल्ट है, 2050 में से 1605 स्टूडेंट यहाँ पर पास हुए हैं, 441 फेल हुए हैं, 4 का रिजल्ट रोका गया है, 138 अब्सेंट थे, तो 78.29% इसका रिजल्ट है। और एमए पॉलिटिकल साइंस प्रीवियस का ही यहाँ पर रिजल्ट आया है, 2753 में से 1624 स्टूडेंट पास हुए हैं, 1119 स्टूडेंट फेल हुए हैं, 10 के रिजल्ट रोके गए हैं, 258 अब्सेंट थे, और इसका ओवरऑल रिजल्ट जो है 58.99% है, मतलब 59 है। और उसके बाद और भी रिजल्ट जारी हुए। एमए संस्कृत फाइनल का रिजल्ट 64.81% है, 182 में से 105 पास है, 55 फेल, 2 के रिजल्ट रोके गए, 28 अब्सेंट थे। उसके बाद एमए संस्कृत एनुअल एग्ज़ाम मार्च अप्रैल 2023 प्रीवियस का है, तो प्रीवियस का रिजल्ट 38.13% है, 139 में से 53 स्टूडेंट पास हुए, 84 फेल हुए हैं, 2 के रिजल्ट रोके गए हैं, 73 अब्सेंट थे। एमए मैथमेटिक्स फाइनल मार्च अप्रैल 2023 का रिजल्ट है, 212 में से 38 स्टूडेंट पास हुए हैं, 174 फेल हुए हैं, 83 अब्सेंट थे, तो बहुत ही गंदा रिजल्ट है। 17% बस स्टूडेंट पास हुए, बाकी के फेल हुए हैं। एमएससी मैथमेटिक्स प्रीवियस का रिजल्ट भी बहुत ज़्यादा ख़राब है, 8% स्टूडेंट खाली पास हुए, देख सकते हैं, 123 में से 10 स्टूडेंट पास है, 111 फेल है, 2 के रिजल्ट रोके गए हैं, 76 अब्सेंट थे, बहुत ही गंदा रिजल्ट इसका आया है। उसके बाद यहाँ पर देखिए, मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया था कि इसका जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होना है यूटीडी का, तो यहाँ पे सारे सब्जेक्ट है, एमएससी, एमटेक, बीएलएलबी, एमए, एमपीएड, ये सारे विषय जो है इसके एंट्रेंस एग्ज़ाम होने थे। इसका नोटिफिकेशन जारी हुआ था 26, 27 और 28 को, दो पालियों में, 12 से 1 बजे और 2 से 2:30 से 3:30 बजे तक। तो ये सब कुछ वैसा ही है, लेकिन वहाँ पर एक कन्फ्यूजन था, यहाँ पर ऑफलाइन शब्द लिखा गया था ऑफलाइन, और नीचे यहाँ पर ऑनलाइन लिखा गया है नोट में। तो वही मैंने अपने वीडियो में बताया था कि ये जो है ऑफलाइन, देखिए यहाँ पर ऑफलाइन आयोजन हेतु समय सारणी जारी की गई थी, अब उसको यहाँ पर ऑनलाइन माध्यम से होगा करके बताया जा रहा है। यहाँ पर ऑफलाइन शब्द लिखा गया था, और इसको मैंने अपने वीडियो में आपको मेंशन करके बताया था कि ये मिस्टेक हुआ है यहाँ पर, और ये ऑनलाइन ही होगा, क्योंकि मैंने कॉल करके यूनिवर्सिटी में पहले ही कन्फर्म कर लिया था कि किस मोड पर होने वाला है, तो ऑनलाइन होने वाला है। तो उसी को इन्होंने यहाँ पर जो ऑफलाइन शब्द था उसको निकाल कर ऑनलाइन किया है। अब ये जो है लेकिन ऑनलाइन है, आपको परीक्षा केंद्रों में जाना होगा और आपके मोबाइल के माध्यम से ये एग्ज़ाम होगा, एंट्रेंस टेस्ट 1 घंटे का, तो उसी का ये है। डेट वेट में कोई चेंज नहीं किया गया, खाली यहाँ पर जो ऑनलाइन ऑफलाइन शब्द लिखा गया था उसको ऑनलाइन किया गया, ठीक है। तो यही नोटिफिकेशन था। वीडियो अच्छा लगा हो लाइक कीजिए, और ऐसे लेटेस्ट अपडेट रेगुलर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन जरूर दबाइए। मिलते हैं नए नोटिफिकेशन के साथ एक नए वीडियो में।